वजीर नमाज मगरिब के बाद बाबर के लिए मेहर निगार खानुम के दिए हुए तोहफे लेकर आ गया, सुनहरी चौगा, जरदोजी के काम का पटका और चांदी के दस्ते का चाबुक। चौगा बाबर की सेहतियाबी पर इजहार मुसर्रत की अलामत था। पटका इस ख्वाहिश का आईनादार था कि बाबर की कुव्वत और अजमत में इजाफा हो, लेकिन चाबुक शायद इसलिए भेजा गया था कि वो आज दिन भर घुड़सवारी करता रहा था, या शायद इसका कोई और मफहूम था। शायद ये कि वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ अंदजान पहुंचे और दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। इन तहाइफ से बाबर का दिल बाग बाग हो उठा। अगले रोज उन दोनों को एक दूसरे से जुदा होना था। वो उस मकाम पर पहुंचने वाले थे जहां से ताशकंद का रास्ता शिमाल की जानिब मुड़ जाता था। खाला के वास्ते भी जवाबन कुछ तहाइफ का भेजा जाना जरूरी था, लेकिन सवाल यह था कि कौन सी चीजें भेजी जाएं। रास्ते में ऐसे तहाइफ कहाँ मिल सकते थे जो खवातीन को पसंद आते। चारों तरफ बेकरां सहरा फैला हुआ था। कासिम बेग ने हमेशा की तरह इस मौके पर भी जहानत से काम लिया और अशरफियों से भरी हुई चांदी की तिश्तरी भेजने की तजवीज पेश की। बाबर ने इस तजवीज को कुछ और भी वसत दे दी। अशरफियों से भरी हुई तिश्तरी उस घोड़ा गाड़ी में रखकर भेजी जाए जिस पर वो सफर करता रहा था, ताकि गाड़ी भी तोहफा ही तसव्वुर की जाए। लेकिन हुक्मरान कल को गाड़ी की जरूरत पड़ गई तो मुझे पाक परवरदिगार पर भरोसा है, जरूरत नहीं पड़ेगी, उस गाड़ी में खवातीन सफर करें। कासिम बेग ने इस बात को हुक्म तसव्वुर करते हुए मजीद मुखालफत ना की। अगले रोज सुबह ही सुबह दो शानदार गाड़ियों, अराबों और ऊँटों पर मुश्तमिल काफिला मिर्जा चोल होते हुए ताशकंद जाने के लिए शिमाल की समत मुड़ गया। इसके साथ पहले से सफर करते हुए मुहाफिज दस्ते के अलावा बाबर के लश्कर से मुंतखब किए हुए 100 सिपाही भी रवाना किए गए। जल्द ही ये काफिला निगाहों से ओझल हो गया, लश्कर भी अपने रास्ते पर रवाना हो गया। फिर भी बाबर एक टीले पर खड़ा देर तक अपने लश्कर को नहीं बल्कि शिमाल की समत जाती हुई गाड़ियों को देखता रहा जो बेकरां सहरा में गायब हो गई। वो यूं खड़ा हुआ था जैसे अपनी मंगेतर को रुख्सत कर रहा हो, सफर बखैर कह रहा हो और उसके सिलसिले में अपने कल्बी लगाव और एहतराम का इजहार कर रहा हो। बाबर ने समरकंद में 100 दिन गुजारे थे, लेकिन आयशा बेगम से एक बार भी मुलाकात नहीं की थी। मुलाकात में रस्म व रिवाज की दीवारें हायल भी थीं और नौजवानी का शर्मीलापन भी। उस वक्त टीले पर खड़े खड़े उसे अपनी इस गजल का ख्याल आ गया जिसे उसने बुस्तां सराय महल में कहना शुरू किया था। हुस्न का तेरे है चर्चा हर जगह पर माहरू, वसल तेरा मुझको कब होगा मयसर माहरू। फिर वो घोड़े पर सफर करते हुए इस गजल के मजीद अशआर कहने की कोशिश करता रहा। सर न पहुंचा तेरे जानों तक तो जाऊंगा चला, जाएगा लेकर जहां मुझको मुकद्दर माहरू। कौश तैगरमान मकाम पर जहां रात बसर करने के लिए लश्कर ने अगला पड़ाव डाला, बाबर ने इस शेर को जिसने इसे तड़पा दिया था कागज पर लिख लिया और तय किया कि गजल का आखिरी शेर यही होगा। बीच के 3-4 अशार को उसने बाद में निस्बतन पुरसुकून लम्हात में तख्लीक करने का फैसला किया। हाँ, अंदजान के मुहिब वाकयात बाबर से करीब तर आ रहे थे। ताहिर उनकी खबरें लिए हुए चला आ रहा था। बाबर के लश्कर ने जब दरियाए नौ को पार किया तो ताहिर कोकंद से आगे बढ़कर हादरवेश रेगिस्तान में दाखिल हो रहा। लश्कर के 6 रातों के पड़ाव के बाद 7वें दिन खौजंद के करीब उसके सामने के रुख से मुश्की घोड़े पर सवार ताहिर आता दिखाई दिया, जो गुबार से बिल्कुल स्याह और थकन के मारे अपनी परछाई होकर रह गया था। आप समरकंद से क्यों रवाना हो गए आलमपना? कासिद ने रोते चिल्लाते हुए कहा। अंदजान पर दुश्मन के कब्जे और शहर की दिफाई इंतजामात के जिम्मेदारों की गद्दारी की खबर से बाबर को सख्त सदमा पहुंचा। उसे लगा जैसे दुनिया की बुनियादें हिल उठी, जमीनों आसमान यूं कांप उठे जैसे जलजला आ गया और बाएं जानिब बहता हुआ सर दरिया अपने किनारों को तोड़कर दूर दूर तक तुगयानी ले आया। दरिया के उस पार खुजंद पहाड़ियां नजर आ रही थीं। कितनी दूर था अंदजान वहां से, कितनी दूर, और समरकंद भी कितनी दूर पीछे छूट गया था। जालिम किस्मत बाबर को फरेब देकर यहाँ ले आई थी और उसने अपने एक ही वार से उसे अंदजान से भी महरूम कर दिया था और समरकंद से भी। उसे जमीन और आसमान के दरमियान मौलक देखकर अंदजान में उस पर गद्दार तंबल हंस रहा था, समरकंद में खुशकिस्मत सुल्तान अली हंस रहा था और तुर्किस्तान में अपने लश्कर को इकट्ठा करता हुआ शैबानी खान। वो सब हंस हंस कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। हूँ भोला बच्चा कहीं का, ये उन्हीं के जोरदार कहकहे थे जो चारों तरफ फजाओं में गूंज रहे थे। ताहिर ने अली दोस्त बेग की गद्दारी और ख्वाजा अब्दुल्ला को बाबर से वफादारी की बिना पर खाकान दरवाजे के शहतीर से लटकाकर फांसी दिए जाने की तफसीलात भी बताई। बाबर इस सब को बर्दाश्त न कर सका और अपने घोड़े को चाबुक रसीद करके सरपट दौड़ाने लगा। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। घोड़ा जो सबसे प्यासा था
तेजी से दौड़ता हुआ उसे दरिया के खड़े कराड़े तक ले आया। अचानक बाबर को याद आ गया कि उसके वालिद का इंतकाल कराड़े के कट कर दरिया में गिर जाने से हुआ था, और उसे लगा कि वो बुलंद किनारा भी जिस पर वो खड़ा हुआ था दफतन कटकर बहाव में गिरने लगा। बाबर ने घबरा कर तुंदो तेज दरिया के किनारे से घोड़े को पीछे हटाया, लेकिन इतने में पहाड़ियां उसकी निगाहों के सामने कांपने और अपनी जगह से खिसकने सी लगी। वो भी यके बाद दीगरे किसी गार में गिरने सी लगी। बाबर घोड़े की गर्दन से लिपट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और उसके शाने हिलने लगे। कुछ देर तक वो तन्हा ही रहा, फिर कासिम बेग सिन रसीदा तबीब को साथ लिए उसके पास पहुंच गया। कासिम बेग ने आंसू बहाए बगैर लेकिन बड़े मगमूम मलूल लहजे में कहा, शाह आली, हम सब पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। मेरे घर में जो कुछ भी था लूट लिया गया, मेरे लखते जिगर को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। बाबर ने सर उठाया, चेहरा अब भी आंसुओं से तर था। तबीब उसकी पीठ सहलाने लगा। आप इतने गमजदा ना हो हुक्मरान, कासिद ने हमें बताया है कि खुदा के फजलो करम से आपकी वालिदा साहिबा और हमशीरा सही सलामत हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इकसात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। आप जिंदा और तंदुरुस्त रहेंगे तो दोबारा सब कुछ हासिल कर लेंगे। आपको अपना ख्याल करना चाहिए, खुदा न खास्ता दोबारा तबीयत नासाज ना हो जाए। बाबर जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे लगा जैसे वो अपने महबूब उस्ताद को फांसी पर लटका हुआ देख रहा हो, और एक बार फिर उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। हाय मेरे मोहतरम पीर, मुझे इस दुनिया में किसके सहारे छोड़कर आप चल बसे? ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान को उन लोगों ने फांसी पर लटका दिया। मुझे उनसे अपने उस्ताद का इंतकाम लेना होगा, इंतकाम लेना होगा। अब कहीं जाकर तबीब को ख्याल आया कि बाबर कितनी सफाई से बोल रहा है, जरा भी तो हकला नहीं रहा है। कसम खाता हूं कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। उसके चेहरे पर कभी जर्दी छा जाती थी, कभी सुर्खी, लेकिन उसके मुंह से हर लफ्ज बहुत वाज़े तौर पर निकल रहा था। इंतकाम लूंगा, हम लोग लड़ेंगे। दस्तों को इकट्ठा करके उन्हें बता दीजिए, हम कूच कर रहे हैं, अंदजान चलो। और बाबर अपने घोड़े का रुख तेजी के साथ मोड़कर लश्कर के पास चला गया। बाबर ने मुर्गिलान और औश पर कब्जा कर लिया। अहमद तंबल अंदजान के नजदीक अपनी शिकस्त फाश के बाद बचे कुचे लश्करियों के साथ शहर के कले में जा छुपा, लेकिन इन फतुहात के नशे में बाबर के बेगों ने एहतियात और चौकसी को बालाए ताक रख दिया। एक बार बाबर के कुछ दस्तों ने खाकान नाले के करीब पड़ाव डाला और अपनी हिफाजत के लिए पहरे का ख्याल न रखा। अलसबा दुश्मन इस पड़ाव पर टूट पड़ा। सोते हुए लोग बौखला कर उठे और जिसका पांव जिधर पड़ा उधर भाग खड़ा हुआ। भाग खड़े होने वालों में गश्त के लिए जवाबदेह बेग भी शामिल था। बाबर को ये लोग मुहाफिजीन के बगैर ही छोड़ गए। उसके पास बमुश्किल 10 ही सिपाही रह गए। बाबर उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। उस वक्त तंबल की आगे बढ़ती हुई फौज के हरावल के तीरंदाज बाबर के भागते हुए लश्करियों पर तीर बरसा रहे थे। बाबर ने यह अंदाजा लगाकर कि उसके मुकाबले पर आए हुए दुश्मनों की तादाद कम है, घोड़े को एड़ लगाई और अपने 10 सिपाहियों के साथ तीरंदाजों पर धावा बोल दिया। तीरंदाज मगलूब होकर भाग खड़े हुए। बाबर उनका ताकुब करता हुआ दूर तक निकल गया और तब अचानक उसकी नजर दुश्मनों के एक काफी बड़े दस्ते पर पड़ी। घुड़सवार दरख्तों के झुंड से निकलकर उसके रास्ते को काटते हुए घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए बढ़ते चले आ रहे थे। अहमद तंबल, जो आफताबे शहर की शुआओं में वाजे तौर पर नजर आ रहा था, आगे आगे था। जिस्म पर जिरा थी और हाथ में सिपर। बाबर ने लगाम खींच कर अपने घोड़े को रोका और मुड़कर देखा कि खुद उसके साथ कौन कौन है। ताहिर समेत सिर्फ 3 सिपाही रह गए थे। बाकी लोग दुश्मन के तंग होते हुए शिकंजे से भाग निकलने के लिए पीछे की तरफ मुड़ गए थे। बाबर उजलत से काम लेता तो शायद वो भी दुश्मनों के घेरे से निकल जाता, लेकिन पीठ दिखाकर भाग खड़े होना उसके लिए मुमकिन न था। वो तो उस अय्यार गद्दार अहमद तंबल का सामना करना चाहता था जिसने उसको इतने मसाइब से दोचार कर दिया था। उसने लगाम छोड़कर तेजी और मुस्तादी से मुकाबले के लिए कमान तैयार की और तीर को तांत पर रखा। इस असना में अहमद तंबल ने घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते ही तलवार नियाम से निकाल ली। बाबर ने तंबल के हिजान से सुर्ख चेहरे पर भेंगी आंखों के दरमियान नाक के बांसे का निशाना लगाकर तीर चलाया, जो जाकर उसके खुद के छज्जे पर लगा। निशाना बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन खुद की धात तीर की नोक से ज्यादा मजबूत साबित हुई। बाबर को दूसरा तीर चलाने का भी मौका मिल गया। इस बार उसने तंबल के गर्दन का निशाना लगाया था, क्योंकि जिरा और खुद पहने फौजी का चेहरा और गर्दन ही कुछ कुछ खुले रहते थे। तंबल सिपर से दिफा करने में कामयाब हो गया। तीर सिपर से टकरा कर अलग जा गिरा।
इतने में तंबल के घोड़े दौड़ाते हुए सिपाही उस पर तीर चलाने लगे और एक तीर उसकी लॉन्ग बूट के ऊपरी हिस्से को चीरता हुआ घुटने से जरा नीचे पिंडली में आन लगा। तंबल बाबर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और उसके दाएं हाथ में तलवार चमक रही थी। वही तलवार है, बाबर ने पैर में फैलते तेज दर्द को महसूस करते हुए सोचा। वही ओश में उसकी दी हुई तिलाई दस्ते वाली बगदादी तलवार। तो अब तंबल इसी तलवार से उसे हलाक कर देगा जिसका कभी उस कमबख्त ने वफादारी के इजहार के तौर पर भोसा लिया था। बाबर का हाथ कमान को, जो अब बेमसरफ हो चुकी थी, दबाए जा रहा था। इस पर अजीब बेहिसी सी तारी हो गई और जाने मफलूज करते हुए दर्द की बिना पर या मौका न मिल सकने के बायस उसे अपनी तलवार न्याम से निकालने का ख्याल ही न आया। दूसरे ही लम्हे वो तिलाई दस्ते वाली तलवार उसके खुद पर पड़ी। बाबर की आंखों तले चिंगारियां सी नाचने लगी, सर में जोरदार बनबनाहट सी हुई और खुद के इस वार को बर्दाश्त कर लेने के बावजूद उसके नीचे से खून बहकर गर्दन तक आ गया। लगता है जूते में भी खून भर गया है। बाबर ने घोड़े पर झुकते हुए कुछ ऐसी बेगानगी के साथ सोचा गोया इस बात का उससे ताल्लुक ही ना हो। तंबल ने अपनी फतह पर मसरूर होकर चीखते हुए दोबारा तलवार बुलंद की। एन उसी लम्हे पीछे से ताहिर ने बढ़कर भूरे घोड़े की लगाम को पकड़कर झटका और बाबर को पीछे से धक्का दे दिया। बाबर का घोड़ा अपनी जगह से कुछ आगे बढ़ गया। तंबल की तलवार का जोरदार वार बाबर के तरकश पर पड़ा जिससे तीर और तरकश के तस्मे पूरी तरह कट गए। हुक्मरान, लगाम थामिए, हुक्मरान, लगाम थामिए, ताहिर बाबर के घोड़े को चाबुक मारते हुए चिल्लाया। उम्दा नस्ल के उस घोड़े से ऐसा सख्त बर्ताव शाजो नादर ही किया जाता था। वो आग बगुला होकर हवा से बातें करता हुआ सवार को इस मुसीबत से निकाल ले गया। बाबर ओश वापस लौटा तो लंगड़ा रहा था और उसके सर पर होने वाली भनभनाहट जल्द ही दूर ना हो सकी, लेकिन जख्म से ज्यादा उसे वो बेइंसाफी अजियत पहुंचा रही थी जो किस्मत ने उसके साथ की थी। वो सोचता कि जो तलवार उसने अहमद तंबल को तोहफतन दी थी उसी से उसने उस पर वार किया। कैसी सितम जरीफी है ये भी। इसके बावजूद लोग इसरार करते हैं कि दुनिया में सब कुछ पहले से तय होता है, ईमानदार को इंसाफ नसीब होता है और बेईमान को अपने किए की सजा। तो फिर किस्मत अहमद तंबल को जिसने एक उसी पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी इतने मजालिम ढाए हैं, आखिर सजा क्यों नहीं देती? मैदान जंग में उसका मुकाबला इतने जलील शख्स से हुआ तो आखिर उस बेईमान का हाथ ही क्यों ताकतवर और खुशनसीब साबित हुआ? कतलोग निगार खानुम ने बाबर को तसल्ली देने की कोशिश की। खुदा का शुक्र है मेरे बेटे की जान बच गई। फरजंदे अजीज, अभी आप सिर्फ 16 साल के ही तो हुए हैं। अहमद तंबल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप जाने कितनी ही फतूहात हासिल कर लेंगे। इस वक्त हमारा मुल्क इन अकरबा कश जंगों से बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। आपके मामू जान महमूद खान की आप में और मिर्जा जहांगीर में सुलह कराने की ख्वाहिश काबिल सताइश है। आखसी जहांगीर को मिल जाना चाहिए और अंदजान आपको। इतनी छोटी सी फरगाना सल्तनत के क्या वाकई दो टुकड़े कर देने चाहिए? ये तो सारी मावरन नहर को मिलाकर एक किए जाने के बरक्स होगा वालिदा साहिबा। इस वक्त और चारा ही क्या है बाबर जान, और हमें महज उमूर सल्तनत ही की तो फिक्र नहीं करनी चाहिए। ताशकंद में आपकी मंगेतर उब रही है। मुझे हमशीरा साहिबा का खत मौसूल हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आकर जल्द अज जल्द दुल्हन को रुख्सत करा ले जाइए। बाबर माँ की इस तजवीज की मुखालफत के तौर पर कहना चाहता था कि इन दिनों कोई ऐसी उजलत तो है नहीं। उस माहरू ने अपनी जिंदगी की 15वीं बहार में अभी अभी कदम रखा है और वो खुद भी कमसिन ही है, लेकिन कहने की हिम्मत ना कर सका। दरअसल उसे खुद भी तो अपनी दुल्हन से, जिसके ख्वाब वो जाने कब से देख रहा था, जल्द अज जल्द मुलाकात का इश्तियाक था। माह जौजा की एक गर्म शाम को अंदजान कले के हरम में कनीजें शानदार खाने तैयार कर रही थीं। बादशाह आखिरकार आयशा बेगम से अपने कमसिन मलिका से मिलने आ रहा था जो पूरे हफ्ते भर से उस शाम की मुंतजर रही थी। सोने और चांदी की मुख्तलिफ चीजों और रेशमी पर्दों से आरास्ता हरम में फूलदार गालीचे बिछा दिए गए थे। आयशा बेगम की भावों पर लगाया जाने वाला वस्मा अभी खुश्क भी ना हो पाया था कि किसी कनीज ने घबरा कर चुपके से कहा, तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए शामे आली। जरी का लिबास पहने हुए बाबर बरामदे में नजर आया। गुज़श्ता 2 बरसों की मुसलसल आजमाइश ने उसे काफी बदल दिया था। शाने चौड़े चकले हो गए थे जैसे कि 18 साल ताकतवर नौजवान के होने चाहिए। आयशा बेगम, जिसने कोर्निश के जरिए उसका इस्तकबाल किया, उसके सामने खासी पस्ता कद और धान पान सी लग रही थी। उसके सर पर ऊंची ताकी और कानों में मोतियों के आवेजे पतली सी गर्दन की बिना पर बहुत बड़े बड़े से लग रहे थे। कनीजें कोर्निश बजाती लाती हुई उल्टे कदम दरवाजे की तरफ हटने लगी। बाबर को उनमें से कुछ की आंखों में शरारत आमेज चमक नजर आई और उसे कुछ अजीब भोंडापन सा महसूस हुआ। ये तो सच था कि हरम में हुक्मरान के रात बसर करने के इरादे से कनीजों और खादमाओं को पहले से ही मुत्तला कर दिया जाता था ताकि वो इस सिलसिले में जरूरी तैयारियां कर सकें।
फिर भी बाबर को ऐसे लम्हात में वहाँ इतने ज्यादा अफराद की मौजूदगी गैर जरूरी महसूस हुई। तशरीफ रखिए हुक्मरान, उसने बमुश्किल ही सुनी जा सकने वाली कांपती हुई आवाज में बाबर से शाया निशान जगह पर बैठने की दरखास्त की। अंदरूनी कमरे में बारीक पर्दे के पीछे सेज बिछी हुई थी। बाबर उस जानिब देखे बगैर न रह सका, हालांकि उसे अपनी ख्वाहिश पर शर्म महसूस हुई। दस्तरखान के पास आकर वो गद्दे पर इस तरह बैठा कि पलंग उसे दिखाई न दे, फिर भी दिखाई दे रहा था। आखिर उसने अपनी नजरें दस्तरखान पर जमा दी और धीरे से पूछा, कहिए बेगम, आपकी सेहत तो ठीक है ना? खुदा के फजल से ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा बेगम शर्माती लजाती बाबर से दूर दस्तरखान के बिल्कुल किनारे पर बैठ गई। तकलीफ दे खामोशी छा गई। नई नवेली में नई नवेलियों की सारी सिफात मौजूद थीं, पर दिल अब भी लड़कियों का सा था और शक्लो सूरत आयशा बेगम अक्सर बीमार रहती थी। मसाइब भी बहुत झेले थे, इसलिए उसका सूखा सुखता जिस्म बेजान सा लगता था। बाबर जिस माहरू परी के ख्वाब देखता रहा था, वो सिर्फ उसके तसव्वुर की दुनिया तक ही महदूद रही। हकीकत ने उसकी आरजुओं पर पानी फेर दिया। दरअसल वो अपनी कमसिन बेगम से सही मानों में वाकिफ ही नहीं हो सका था, जितना कि शादी के बाद उससे वाकिफ हुआ था जब उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। रिवाज ही यही था। वो महसूस कर रहा था कि रूहानी कुर्बत के बगैर जिस्मानी कुर्ब वबाले जान होती है, गुना जैसी मालूम होती है। आयशा बेगम ना उसकी रूह को बेदार कर सकी थी, ना जिनसी हिजानात को। यही सबब था कि वो उमूर सल्तनत में मसरूफियत के बहाने अपनी ज्यादातर रातें खुद अपनी ख्वाबगाह में गुजारता था। वैसे भी रिवाज और अब शाही महल के रिवाज के बमूजिब बादशाह को मखसूस दिनों पर ही हरम में रात बसर करने का मौका मिलता था। बाबर के वालिद मिर्जा उमर शेख ने भी ऐसा ही किया था। जहां तक आयशा बेगम का ताल्लुक था, वो खुद भी बाहमी ताल्लुकात की परेशानियों और बार को समझती और इस एहसास से तड़पती रहती थी कि वो वैसी शरीक जिंदगी नहीं है जैसी बाबर को दरकार है और जिससे बाबर मोहब्बत कर सके। आयशा बेगम ने कुरमजी चायदानी से सोने के प्याले में चाय उंडेल कर बाबर को पेश की। बिल्कुल बच्चियों के से हाथ हैं और खौफ से कांप रहे हैं। मेरे खौफ से क्या? बाबर ने सोचा। शुक्रिया, वो कसूरवार शख्स के से अंदाज में बस इतना ही कह सका। दरअसल वो खुद को कसूरवार तसव्वुर भी कर रहा था, क्योंकि वो खातून जिसके ख्वाबों में कभी खोया रहता था, जिसके जानों पर सर रखने का आरजू मन था, उस वक्त उसके सामने शर्म के मारे कुछ यूं सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी जैसे किसी गैर के सामने बैठी हो। ये उसके ख्वाबों वाली हसीना तो न थी, फिर भी इतने में एक बावरचन तिलाई रकाब में कबाब ले आई और जीरे की सूंधी सूंधी खुशबू फजा में फैल गई। बावरचन ने काब पर से ढक्कन उठाया और हिरन के नर्म गोश्त के सीख कबाबों की खुशबू जीरे की खुशबू में घुल मिल गई। फिर बावरचन बाहर चली गई। चखिए बेगम, जरा चखिए तो सही। बाबर ने काब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मुंतजर रहा कि पहले आयशा बेगम कबाब उठा ले। नहीं नहीं, आप भी क्या, पहले आप, उसने धीरे से कहा। खैर, मैं उठा लेता हूँ, अब तो लीजिए। सीख कबाब भी उनके दिलों को मसरूर न कर सके। वो दोबारा चाय पीने लगे। अच्छा बेगम, कहीं आपको अपने शहर की याद तो नहीं सता रही है? आयशा बेगम ने अब जरा हिम्मत करके बाबर के चेहरे की तरफ देखा। समरकंद की याद सताती तो है। इंशाल्लाह आप गर्मियों में समरकंद जा सकेंगी, ये तो बहुत खूब होगा। लेकिन कैसे, मैं अकेली जाऊंगी क्या? नहीं, खुदा के फजलो करम से समरकंद पर कब्जा कर लेंगे और हम सब वहां चलेंगे। वहां चलेंगे और अंदजान किसके कब्जे में रहेगा? फिलहाल मिर्जा जहांगीर के कब्जे में, बाबर ने जवाब दिया और फौरन ही उदास हो गया। आयशा बेगम कुछ भी न समझ सकी और उसने हैरत से नजरें उठाई। अंदजान को फतह करने तक मिर्जा बाबर ने कुछ कम मसाइब बर्दाश्त किए थे क्या? और अब वो, आयशा ने सोचा, खुद अपनी मर्जी ही से अंदजान को छोड़ देना चाहते हैं। समरकंद की याद तो मुझे जरूर सताती है, वो बोली, लेकिन मैं यहाँ आपकी वालिदा मोहतरमा के साथ रहना बेहतर तसव्वुर करती हूँ। वो इस तरह साफ साफ बातें करने लगी तो बाबर को उसका चेहरा दिलकश मालूम होने लगा। जी हाँ, और आपसे मैं ये इल्तजा कर रही हूँ मेरे सरताज, आयशा बेगम ने धीरे धीरे जोश में आते हुए बात जारी रखी। कहने लगी, जाने कितनी ही परेशानियां तो आप झेल चुके हैं और जंग के बगैर समरकंद के दरवाजे खुलने से रहे, आप अपना ख्याल कीजिए, अब और जंग छेड़ने ना जाइए, इल्तजा कर रही हूँ। हम आज जिन हालात में जी रहे हैं वो मेरे और आपके लायक हैं क्या? ये आप क्यों फरमा रहे हैं? आखिर आप अपने मुल्क में मुकीम और यहाँ के हुक्मरान हैं। बाबर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। हुक्मरान तो मैं बस बराए नाम ही रह गया हूँ, उसने कहा और अपनी बगली जेब से चार तह किया हुआ कागज निकाल कर आयशा बेगम की तरफ बढ़ा दिया। वो गुज़श्ता कई महीनों से अपने दिल के दर्द को कागज पर मुंतकिल करने की जरूरत महसूस कर रहा था और तकरीबन हर शाम को अशआर कहता था। इस वर्क पर एक चार बीती दर्द थी। आयशा बेगम ने कागज को खोलकर मिसरों पर नजर डाली। तख्त से चिमटे हैं उनका आसरा कुछ भी नहीं,
हाय दुनिया, अब तो कानून वफा कुछ भी नहीं। बन जा मुफलिस बेग तो बाबर के बेहतर होगा ये, एक ताज और शाह दो, इससे बुरा कुछ भी नहीं।